मध्य प्रदेश के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा बेंगलोर में भी देखने को मिला। यह ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंचे। एयरपोर्ट से ये सीधे उस रिजॉर्ट की ओर चल गए जहां पर कि बागी कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। जब ये इस रिजॉर्ट के अंदर जाने लगे तो वहां पर इन्हें पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लिया और उनसे कहा कि वे वापस लौट जाएं। लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना था कि वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी हैं, ऐसे में अपनी ही पार्टी के इन नाराज विधायकों को मनाने आए हैं और उन्हें 15 मिनट का वक्त चाहिए इन विधायकों से बातचीत करने के लिए, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी। ऐसे में यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह के साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित कई स्थानीय और मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री भी मौजूद थे, जो कि लगातार पुलिस के पास यह अपील कर रहे थे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं जिन्हें दबाव में अंदर बैठाया गया है। ऐसे में वे अपने विधायकों से केवल 15 मिनट तक बातचीत करना चाहते हैं और यदि विधायक नहीं माने तो वे वहाँ से लौटने को पूरी तरह तैयार हैं, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके चलते दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के सभी लोग मुख्य द्वार के पास ही सत्याग्रह के नाम पर बैठकर धरना देने लगे और यह पूरा मामला बवाल का रूप लेने लगा। कई कांग्रेस के लोगों को जब इसकी खबर मिली तो वे भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे और करीब 3 घंटे तक चले इस पूरे बवाल के बाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा था। वहाँ से इन्हें पुलिस कमिश्नर ऑफिस अब ले जाया गया है और वहाँ पर इन्हें सुरक्षा के बीच में रखा गया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से एक बार मुलाकात करें, क्योंकि वे भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। ऐसे में उन्हें समझाने की कोशिश होगी कि विधायकों से नहीं मिलने दिया जाना राज्यसभा प्रत्याशी को, ये शायद राजनीतिक रूप से भी काफ़ी गलत होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अब तक दिग्विजय सिंह को कोई टाइम नहीं देने की बात भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब बेंगलोर में पहुंच गया है और ऐसा कह रहे हैं कि इस रिजोर्ट में इस वक्त 22 कुल लोग ठहरे हुए हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें से 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या अब 16 रह गई है। ऐसे विधायक जो कि राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं या उनको जिनके पास अधिकार है, और दिग्विजय सिंह इन्हीं 16 विधायकों से मिलने बेंगलोर आए हैं।